एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मानने से जय शाह ने इनकार कर दिया है। बीसीसीआई की जो मीटिंग हो रही थी आज आईपीएल के फाइनल के दौरान वो हो चुकी है और उसमें फैसला हो चुका है और साफ साफ ये फैसला हो चुका है कि अभी फिलहाल जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल जो है वो ऑफर किया हुआ है उसको हम नहीं मान सकते। पीसीबी के मुंह के ऊपर चिपेड़ मारी है सब बोर्ड ने मिलके और एक बंदे की बात माननी है, उसका नाम है जय शाह। बीसीसीआई जीत गया यार पीसीबी से, एशिया कप की एक बाल भी पाकिस्तान में नहीं करवाई जाएगी, उखाड़ लो जो जिसने जो उखाड़ना है। अब नजम सेठी किधर गया, मुझे नजम सेठी का लगा नजर नहीं आ रहा, बैठे अब आए टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी भी उम्मीद है कि भारत 2023 एशिया कप के अधिकांश मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर मेजबानी करने के लिए उसके प्रस्ताव पर सहमत होगा। हाइब्रिड मॉडल जिसे पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, भारत को यूएई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच खेलने की अनुमति देगा जबकि शेष मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नजम सेठी ने इस हफ्ते यूएई में एसीसी के सदस्यों के साथ मुलाकात की। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण 2007 से पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं खेली है। हालांकि सेठी को उम्मीद है कि हाइब्रिड मॉडल एक ऐसा समझौता है जिस पर दोनों देश सहमत हो सकते हैं। सेठी ने कहा, जब तक भारत पाकिस्तान के बीच बायलेटरल सीरीज नहीं होगी तब तक यही एक समाधान है। ये दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति है। भारत पाकिस्तान से खेल सकेगा और पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर पाएगा। सेठी का मानना है कि हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी किया जा सकता है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन नजम सेठी के इस मॉडल को ACC खारिज कर सकता है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पर किसी भी इंटरनेशनल टीम का जाना खतरे से खाली नहीं है। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। बड़ी बड़ी बड़के मारी गई, मैंने सुबह आपको क्या बताया था कि भाई आप जो है यहाँ पर बड़के मार रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर बड़के मार रहे हैं भाई जो आप हमने 6 मैचेस खेलने हैं 8 खेलने हैं, आप बड़के मार रहे हैं हमने यूएई में खेलना है भाई साहब, श्रीलंका में नहीं खेलना है, लेकिन आपको क्या पता कि क्या आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। सुबह मैंने आपको सारा कुछ यही बताया था जो अभी हो चुका है। अभी फैसला ये हुआ है कि भाई साहब जो 6 मैचेस पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान यानी कि पीसीबी जो कह रहा है कि भाई जो है सुपर फोर के जो 2 मैचेस भी हमें दिया जाए इसके बाद हम जो है इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको जो है रिजेक्ट करते हैं। अब अगर देखें तो इसका सारे बोर्ड्स ने जो है वो बीसीसीआई का साथ दिया है भाई, सारे बोर्ड्स ने कि भाई साहब ये जो ब्रॉडकास्टर्स का मसला है भाई जो है वो 2 यूनिट्स में ब्रॉडकास्टर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और उनके लिए तो इतना बड़ा मसला हो जाएगा, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 6 मैचेस 4 मैचेस पीसीबी को दिए जाएं, बहुत बड़ी बात है और 6 तो बहुत बात की बात है। और दूसरी बात, नजम सेठी ने मैंने क्या बोला था कि अगर आप जो है वो बंदर के हाथ में माचिस देंगे ना वो पूरा जंगल जला के आपको रख के देगा, और वही चीज हुई है कि यार आपका हाइब्रिड मॉडल अभी तक जो है एक्सेप्ट हुआ ही नहीं और आप आके रोज जो आप बयान देते हो, कभी कहते हो वर्ल्ड कप में हम नहीं जाएंगे, कभी कहते हो जी हाइब्रिड मॉडल हमारा एक्सेप्ट हो गया वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा, कभी आप ये कहते हो कि हम यूएई में खेलेंगे भाई श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, यार पहले इसको एक्सेप्ट तो होने देते। अब वही चीज हो चुकी है जिसका डर है। अब ये जो मीटिंग होनी थी इसमें मुकम्मल ये फैसला हुआ है कि अभी तक फिलहाल पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हमें जो है वो मंजूर नहीं है। अब जो है वो एक अगर देखें तो हंगामी तौर पे जय शाह जो है वो 3-4 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाने वाले हैं एसीसी की, उस मीटिंग में कोई और फैसला हो सकता है, उस मीटिंग में जो डिस्कस होगा इसके ऊपर कि क्या होगा। तब तक पाकिस्तान अपना मौकफ अगर चेंज कर ले तो पीसीबी ने ये जो 2 मैचेस बढ़ा दिए हैं या पीसीबी कह रहा है कि भाई हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे इसको चेंज कर दे, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान कोई डील हो जाती है अगर, फिर जो है एशिया कप के ऊपर कोई और फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो आज मीटिंग हो रही थी उसका फैसला ये हो चुका है कि अभी तक पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट कर लिया गया है, अभी तक कोई इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। 2-4 दिन से बड़ी खबरें आ रही थी बीसीसीआई की शिकस्त होगी, पता नहीं क्या यार, मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं लेकिन हम ये चाह रहे थे यार ये जो नजम सेठी ने जो ये जलील हरकतें शुरू की हुई है ना ये ना करते तो शायद मामलात बिगड़ने के बजाय बन जाते। वही चीज आप देखें अब बीसीसीआई ने क्या मौकफ सामने रखा, वजह क्या रखी है,
दो वजूहात, एक ये जो यूएई और श्रीलंका वाला रोल है कि यार हम यूएई में खेलेंगे श्रीलंका नहीं खेलते, और दूसरा ये कि जो आप चार नहीं छह मैचेस हमें दिए हैं, पहले आपने चार मैच बोले, जब आपका हाइब्रिड मॉडल मंजूर होने लगा आपने दो मैचेस बढ़ा दिए। एक ही बात करता था कि हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट होगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं एक्सेप्ट होगा। अब मैं बताता हूं आपको एशिया कप किधर होना है, अब श्रीलंका में एशिया कप होना है, अगर पीसीबी ने खेलना है खेलने, नहीं खेलना तो बड़े खपेच, नहीं खेलना ना तो बड़े खपेच, और ऑन साइड थे नहीं खेलना थे, क्योंकि एक तरफ पांच बोर्ड खड़े हुए हैं, एक तरफ एक बोर्ड खड़ा हुआ है, पांच बोर्ड कह रहे हैं एशिया कप श्रीलंका में करवाया जाओ, अकेला बोर्ड पाकिस्तान में नहीं हो सकता भाईजान, ऑफिशियल्स के पैसे होते हैं, ब्रॉडकास्टर पैसे मांगते हैं, नहीं भाईजान पे होते इतने पैसे आ गए पाकिस्तान में, आप छोटा सा तो टूर्नामेंट है एशिया कप का, आप दो जगह पे वो करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, नहीं भाईजान आप जेब खर्च जेब जो ज्यादा देती, नहीं होना एशिया कप पाकिस्तान में। ये जो घंटे फेक न्यूज फैला रहे थे ना, ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में एशिया कप के चार मैच, और कुछ इतने को कंजर के बच्चे हैं, इतने को बगारत के बच्चे हैं जिन्होंने ये तक न्यूज ब्रेक कर दी हुई थी कि पाकिस्तान और नेपाल का पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा एशिया कप का, तब वो होता डीएमी ना खेला जाना पहला मैच, मैंने जरा दस्यो जरा, मतलब यार फजूल न्यूज़ें क्यों लेके आते हो, रात को आप पता तो चल गया ना, अभी आज ट्विटर के ऊपर ये चीज तो गर्दिश कर रही है ना कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल, पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट किया गया, उसको लात मारी गई है, और उसको ये बोला गया कि अगर आपने अपना वर्ल्ड कप खेलना है, सॉरी एशिया कप खेलना है, खेलो नहीं खेलना। अब नजम सिटी क्या कर रहा है और क्या करेगा नजम सिटी, अब क्या करेगा, अब नजम सेठी जो मुझे बात पता चली है, अब नजम सेठी ने आई थिंक फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन नजम सेठी अब आईसीसी के किसी बंदे के साथ मुलाकात करेगा, जिसमें वो ये चीज आगे रखेगा कि हम वर्ल्ड कप इंडिया नहीं खेलने जाएंगे। बात आप पता, वो गोल मटोल सी करेगा, बात वो गोल मटोल सी ये करेगा कि हमने जी पहले इंडिया को बोला कि आप हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो, हम आपके मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने आ लेते हैं, इन्होंने बाकी बोर्ड्स को भी कन्विंस किया और इन्होंने जो हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट करवाया, अब हम पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने, सॉरी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप से ऑफिशियली बायकॉट करेंगे, मतलब अब ये वर्ल्ड कप को थ्रेड करेंगे, वर्ल्ड कप का सहारा लेके ना ये आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को थ्रेड करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, 80% रिवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई आईसीसी को, पाकिस्तान तो उल्टे पैसे लेता है, ये जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल निकला 2024-27 तक, इसमें 5-5.5% पाकिस्तान उल्टा ले रहा है आईसीसी से, इंडिया तो 80% दे के 38% ले रहा है, तो कभी भी आईसीसी नहीं खड़ा होगा बीसीसीआई के आगे, कभी भी कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। नजम सेठी को उम्मीद है कि हाइब्रिड मॉडल को भारत और एसीसी दोनों द्वारा स्वीकार किया जाएगा, उनका मानना है कि मॉडल पर एक उचित और न्याय संगत समाधान है जो दोनों देशों के प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देगा। पीसीबी के अध्यक्ष नजम सेठी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें चिंता है कि दोनों देश सुरक्षा चिंताओं के कारण विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। सेठी ने 2023 एशिया कप के लिए एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित किया था, जो भारत को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच खेलने की अनुमति देगा, यहां तक कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर फाइनल की मेजबानी करने को भी तैयार हैं, भले ही पाकिस्तान भारत या किसी अन्य देश के खिलाफ इसके लिए क्वालिफाई करे। सेठी का मानना है कि हाइब्रिड मॉडल ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भारत और पाकिस्तान दोनों प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले सकें। उन्हें उम्मीद है कि एसीसी अध्यक्ष जय शाह, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और सभी एशियाई देशों को एकजुट रखने में मदद करेंगे। सेठी ने कहा, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहा हूं और इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने एक हाइब्रिड मॉडल खोजने की कोशिश की है। नजम सेठी का मानना है कि हाइब्रिड मॉडल दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है, भारत पाकिस्तान में खेल पाएगा और पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर पाएगा। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को भारत और एसीसी दोनों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
आपकी राय में क्या ACC को हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।